तो चलो प्यार बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे कि इसमें से टू बॉडी है और दो बॉडी मूव, दो बॉडी है थ्रोन सिमेंटेनियसली फ्रॉम ए टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, वन वर्टिकली अपवार्ड अदर वर्टिकली डाउनवार्ड। अगर यहाँ से तुम देखो कि जो दो बॉडी है उनको आप फेंका गया, और अगर तुम देखोगे तो उनको फेंका गया, एक को वर्टिकली अपवार्ड फेंका गया और एक को डाउनवार्ड फेंका गया, यहाँ से ये सारी चीज़ें। तो अगर तुम देखोगे एक को ऊपर फेंका गया, कितने से फेंका गया, जब टाइम जीरो था तो उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी, ठीक ना, टाइम जीरो थे, और दूसरे को डाउनवार्ड यहाँ से फेंका गया, ठीक है, डाउनवार्ड फेंका गया, उसकी भी वेलोसिटी यहाँ से वी नॉट थी। तो एक को अगर ऊपर फेंका गया तो ये ऐसे जाएगा, तो चलो मान लेते हैं किसी टी टाइम पाथ इसकी डिस्प्लेसमेंट एस वन है, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करा उसका डिस्प्लेसमेंट एस टू है। तो ये ऑब्वियसली ये दोनों एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। जैसे अगर ये पहली वाली बॉडी यहाँ है तो दूसरी वाली बॉडी हो सकता है यहाँ हो, ठीक है ना, तो ये वाली बॉडी यहाँ है, तो ये वाली सेपरेशन कितनी होगी ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो तुम अगर देखोगे, चलो मान लो ये सब एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं भाई, सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो टी टाइम बाद हम देख लेते हैं कौन कहाँ है। तो टी टाइम बाद पहले वाली बॉडी के लिए लगाता हूँ जो ऊपर फेंका गया, वन वर्टिकली अपवर्ड फॉर फर्स्ट फर्स्ट बॉडी जो ऊपर फेंका गया, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूँ, पहले जो ऊपर फेंका गया, तो उसके लिए एस वन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट टाइम टी और माइनस हाफ ग्रेविटी के अंडर मोड टाइम टी का स्क्वायर, ये पहले वाली बॉडी का इक्वेशन है। और दूसरी वाली बॉडी का इक्वेशन है फॉर सेकेंड बॉडी जो एस टू है, ठीक है ना, तो एस टू वो नीचे फेंका गया, तो माइनस बी नॉट टी और माइनस हाफ यहाँ से जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों नीचे आ रहे होंगे, चलो मान लो ये फेंका गया और एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं, यहाँ से इस लाइन पे फेंका गया था और ये दोनों ऐसे, ये यहाँ पर आई है और दूसरी यहाँ पर आई है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक एस वन आ गया और ये जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एस टू आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये टू वाली है ये फर्स्ट वाली है, दोनों एक ही लाइन में है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, यही इनके बीच का डिस्टेंस है, दैट इज एस वन माइनस एस टू, बात आ रहा समझ में। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस टी टाइम बाद मैं देखूंगा, तो टी टाइम बाद अगर तुम यहाँ से डिस्टेंस देखोगे आफ्टर टाइम टी, तो यह आ जाएगा एस टू माइनस एस वन टी टाइम बाद इनके बीच का डिस्टेंस, तो या एस वन माइनस एस टू जो भी ले लो, मॉड है भाई। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, तो वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में से माइनस कर दो, माइनस वी नॉट टी और माइनस हाफ यहाँ से जी टी का स्क्वायर। तो अगर तुम यहाँ देखोगे वी नॉट टी और माइनस हाफ यहाँ से जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वी नॉट टी और ये प्लस हाफ यहाँ से जी टी स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे ये जी टी स्क्वायर, ये जी टी स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब टू वी नॉट टी की जो वैल्यू है ये आएगा, तो टू वी नॉट टी की वैल्यू यहाँ आएगा, मतलब तुम देखोगे यहाँ से बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। थैंक यू बाबा, टेक केयर।